होगा यहाँ, टोल पे करना पड़ेगा या एंट्री डलेगी वो भी, हाँ टोल पे करना पड़ेगा उधर पर्ची पुर्ची। हाँ पर्ची बैठा हो ना, लेकिन टोल नहीं आता भाई, ये म्यूनिसिपल ही है वही बोलता है MCD। हाँ वो टोल जो म्यूनिसिपल कुछ भी है, MCD डिपार्टमेंट है। 20 रुपीज ओनली, यही पड़े थे यहाँ पे 20 रुपीज के लिए तीन कैमरा। तीन कभी ना टीवी ले रहे हैं, टीवी में हो गया, आज आज बुला लो सबको, बुला लो लो सर। अगर इसकी इनकी यहाँ की लैंग्वेज समझ आ जाए ना तो हम हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। ये बंदा कह रहा है टीवी टेलीविजन आंध्रे कह रहा हूँ। ले आओ चेंज ले आओ, यहाँ के कुत्ते भी सलीम है। पूरा फैशन मॉडल की तरह, पूरा फैट, कटिंग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंदरी हाँ मेरी जान। ये है चेक पोस्ट प्लास्टिक लाइट दे रहा है, लाइट 20 रुपीस। पर्ची कटवाने के पहले पुलिस वालों ने हाथ दिया, दो थे कांस्टेबल थे, ज्यादा मतलब पोस्ट के नहीं थे और लड़के थे, और उन्होंने बोला कि वीडियो शूट कर रहे हो, यहाँ पे तीन कैमरे खुल गए, भाई कुलदीप भाई का भी, उनका तो कैमरा DSLR मेन, हमारे तो मोबाइल थे, तो भाई से डर गए वो, ये कौन हो। हमने कहा दे दिया, तो हुआ ये कि वो देख के डर गए कि हाँ भाई यूट्यूबर हो, हाँ यूट्यूबर है। उन्होंने गाड़ी चेक करनी होगी, बट उन्होंने गाड़ी वगैरह चेक नहीं करी, हमें भी चेक नहीं किया, हम निकले भी नहीं गाड़ी से बाहर, कह रहे जाओ हंसे बहुत अच्छे, और हमने आखिरी में बोल दिया नंदरी मीन्स यहाँ का थैंक यू होता है इनकी भाषा में। बोर्ड 9 किलोमीटर और बाकी पढ़ लेना, हमें मैप की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे रोड ही नहीं है, तो मैप की क्या जरूरत पड़ेगी यार, सीधी सी बात है। और देखो मिट्टी कितनी है, मतलब ये लेफ्ट साइड भी समुंदर है, राइट साइड भी देखो बीच बना हुआ है, जबरदस्त नजारा, और यहाँ के लोकल्स ऐसे रहते हैं। हाँ दोनों साइड अलग अलग कलर का समुंदर, नजारा ही अलग है। ये लास्ट है हमारा, जितनी हमने एक्सप्लोर करना चाहेंगे यहाँ पे कर सकते हैं हम। ये देखो सामने समुंदर कितना जबरदस्त है यार, यहाँ थोड़ा ब्राउनी शांत, ये देख लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शांत लग रहा है, दिखा इधर प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ स्लो प्रॉपर दिख रहा है, इस साइड भी समुद्र, और बीच में चल रहे हैं हम। यहाँ पे भी इन्होंने रोड बनाई है, और कितनी मुश्किल से रोड बनी होगी यहाँ पे जिससे हम जा रहे हैं। सबसे मेन चीज हमारी रोड है, जो पूरे एडवेंचर में जो मेन पर्पस होता है ना वो रोड का होता है। ये वाला पानी कितना साफ है, बिल्कुल ब्लू कलर का, और ये वाला पानी देख लो दिख ही नहीं रहा दूर तक, क्योंकि यहाँ पे फ्लो कम लग रहा है इससे पानी का। जीरो पॉइंट वन धनुष कोटी कोटी है, मतलब कोटी नहीं है धनुष कोटी है, और सामने टावर ये नहीं पता किस चीज का। यार लोकल्स है, खाने पीने की सुविधा है यहाँ पे ज्यादा, और अपना कुछ यहाँ से लेके जाना चाहते हो मेमोरी के लिए वो भी मिल सकता है आपको, यहाँ भी यहाँ पे आए थे। देखो सामने लोग बाग कितना एंजॉय ले रहे हैं यार, जगह होगी रुकने वाली जहाँ से हम आगे जा सकते हैं उतर के, पब्लिक देख के पता लग रहा है अब दोनों तरफ आने वाला, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से एक समुंदर, कितनी लहरें कितनी तेज है। ये यादगार चीज है, देख लो लेफ्ट साइड में भी कितना क्लोज हो गया, अब रोड भी अब थोड़ी नैरो हो गई है, और राइट साइड से फ्लो ज्यादा है, पब्लिक यहाँ की लोकल है जो इंजॉय ले रही है यहाँ का नेचर का, बहुत ही जबरदस्त यार मजा आ गया। देखो कितनी टूरिस्ट वगैरह लोकल सब मिक्स है यहाँ पे, अलग ही नजारा, देखो ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, 360 निकालो उससे बनाएंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे घुमाओ कैसे, यहाँ हर कोई शूट कर रहा है, हर कोई लोकल से लोकल भी और वो भी, वहां नहीं मेहनत करने को मारी, मेरे को लग रहा है लास्ट है रोड, लास्ट है यहाँ पे, देखो बस मुड़ रही है इससे पता लग रहा है कि रोड लास्ट, घुमा के लाएंगे। बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा तेज, सामने बीच है, अलग ही एक्सपीरियंस है यार, लास्ट कुछ है, इसके आगे रोड खत्म हो गई है, देख लो रोड के आगे बाउंड्री लगी हुई सारी, सामने लिखा भी हुआ है, हाँ तो ये सामने लिखा भी हुआ है। ये मेन है लास्ट पॉइंट है, इसके आगे रोड ही नहीं है, और अलग एक्सपीरियंस वाला मिलेगा।
चल रही है, तेज बोलना पड़ेगा आपके लिए क्योंकि रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, मेरी आवाज रिकॉर्ड होगी नहीं होगी। बहुत खूबसूरत नजारा, ये एरिया यही है मेन, ये लास्ट स्टॉप है इसका। मैप में अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मैप की भी मैंने वीडियो ली है स्नैपचैट की भी। काफी मजा आ रहा है यार आना, यहाँ पे सफल हो गया यार आना, जिसको कहते हैं ना आना सफल हो गया, वो चीज है। और सामने का नजारा दिखाता हूँ आपको दोबारा, जबरदस्त नजारा है एकदम बढ़िया यार। तो यहाँ मिट्टी भी उड़ रही है हवा के साथ साथ, मिट्टी भी उड़ रही है, मिट्टी है नजारा ले रही लोग। ये एक टावर है सत्यमेव जत्ते का, मतलब बना हुआ ऐसे जैसे मर्जी जो भी कह लो। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आगे ना, सामने यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी है, खाने पीने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आए हो और आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा, नज़ारा खूबसूरत है। आओ आपको थोड़ा सर्कल घुमा के दिखाता हूँ, अलग आते हैं तो मिट्टी धसती है, देखो धस रही है मिट्टी, देखो देखो खूबसूरत क्या नज़ारा है यार, क्या जबरदस्त एरिया यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। लोकेशन इतनी जबरदस्त है, देखो पानी का फ्लो कितना देखो, पानी कितना साफ है यार, दूर दूर तक जहाँ नजर आती है आपकी वहाँ वहाँ तक समुंदर है, जो कि बैठ नजर आता है नॉर्थ और साउथ में जहाँ तक नजर आता है ये चीज़ें, ईस्ट और वेस्ट में तो नॉर्थ और साउथ सबसे मेन चीज़। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही उड़ गए हैं मोबाइल के, आपको दिखाता हूँ उड़ ही है बिल्कुल। ये देखो नेटवर्क बिल्कुल गायब हो गया है बिल्कुल, ये देखो ध्यान से बैटरी दिख रही है। और इस जगह पे भी जाम लग गया, देखो स्पेस कम है, पार्किंग ज़्यादा है, स्पेस कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, पार्किंग का स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है, थार महिंद्रा थार, जबरदस्त मज़ा आ गया यार देख के ना, यहाँ का था हमारा जो सफर था 3617। अब यहाँ से निकलेंगे वापसी अपने घर की तरफ, जहाँ से आए थे वहाँ से वापसी अपने घर की तरफ। नज़ारा बढ़िया, मज़ा आ गया, मतलब यहाँ आना ना एक सफल हो गया, मतलब पता लग रहा है अभी अब ट्रिप मारी हमने, रोड ट्रिप इतनी बड़ी हमने रोड ट्रिप मारी आज। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था इतनी बड़ी रोड ट्रिप का, और इनका तो आपका इतनी लंबी तो नहीं करी, इतनी लंबी तो नहीं करी नहीं, मैंने बाइक से करी थी वो 6000 बट उसको हम कर देंगे उससे ज्यादा, कर देंगे ज्यादा। अमित भाई का पहली है भाई इतनी लंबी, कैसा एक्सपीरियंस रहा यार भाई? मजेदार, और टाइम का पता ही नहीं चला कब घर से इतने दिन दूर हो गए। हां नहीं पता लगा, अब फील हो रहा है कि घर जाने को, ये बहुत हो गया, बहुत घूम लिया, अब चल लो घर पे। अब कोई आठवां दिन है, हम निकले थे 3 तारीख को और आज होगी डेट 12, और मजा आ गया मतलब जबरदस्त। यार देख के मेरे को लग रहा था कि फोटो वगैरह खिंचानी चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, और मजेदार रिव्यू यार मजा आ गया। वाइड एंगल में स्क्रीन दिखा रहा हूँ, सारा कवर हो जाए, वाइड एंगल स्क्रीन दिखा रहा हूँ सारा कवर हो जाए। बोलना बहुत तेज पड़ रहा है, हवा जो है ना बहुत ही तेज है, जहाँ पे माइक वगैरह सब फेल हो जाती है, थोड़ा पकड़ के देखता हूँ है तो रिस्की वैसे। ये देखो नज़ारा आपके लिए थोड़ा रिस्की लगता है, दिखाने के लिए नज़ारा जो लहरें कितनी तेज है, और पानी कितना साफ है, क्लीन एकदम बढ़िया तरीके से पानी, जहाँ तक आपकी नजर आती है वहाँ।
वापसी घर की तरफ, पहले ब्रेक लगेगी हमारी खाने की क्योंकि लंच टाइम हो गया है और 2 बज गए हैं और यहाँ पे मिट्टी इतनी उड़ रही है ना, अगर आप बाइक से आते हो ना तो आपको महसूस होगी मिट्टी कितनी है। अभी तो हम गाड़ी में बैठे हैं और शीशे में देखो कितनी मिट्टी आ रही है। निकलते हैं आगे, अब देखते हैं आज कितना टारगेट हमारा गाड़ी खींचने का, कि जितनी हो सके खींच लेंगे। अगर हमें खाना बढ़िया मिल गया ना तो उससे बड़ा फर्क पड़ता हमें गाड़ी खींचने का, क्यों? बिल्कुल, खाना टेस्टी होगा ना तो एनर्जी आती है अंदर से, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी बन जाती है, मतलब आप ना अच्छा फील करते हो, खाने से ना खाने की भी एक हैप्पीनेस होती है, खाने की भी हैप्पीनेस होती है, टेस्ट आ गया, पेट भर गया, मतलब मन खुश हो जाता है, बिल्कुल चैन आ जाता है खाने के बाद, मतलब चैन, मतलब पंजाबी बोलते हैं कि चैन आ गया यार खा के रोटी, वो चीज यहाँ पे चैन नहीं आया। बाकी खाना मिल रहा है सिर्फ पेट भरने के लिए मिल रहा है, स्वाद के लिए नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्वाद नहीं आया। मैं क्योंकि पता नहीं, हमें नॉर्थ इंडिया से, मेरा फर्स्ट टाइम इधर, बट मैं हैदराबाद तक आया हूँ। अच्छा अच्छा, उससे आगे इधर है, इधर टेस्ट का डिफरेंस मुझे फील हुआ यार, टेस्ट का डिफरेंस फील हुआ काफी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पानी का भी बहुत फर्क पड़ता है यार, सबसे बड़ी बात पानी, क्योंकि पानी से ही तो सब कुछ बन रहा है यार, पानी से ही मेन सारी चीजें हुए। बाकी नजारा खूबसूरत है, फोटो वगैरह काफी निकाल ली है, वीडियोस भी निकाल ली है, रील्स भी निकाल ली है, सब कुछ कर लिया हमने यहाँ पे, मेमोरी इकट्ठी कर ली हमने सारी यहाँ पे आए थे। और सबसे बड़ी बात अपनी जो थार है ना, हम तो अपनी फोटो खींच रहे थे, लोग हमारी थार के साथ फोटो खींच रहे थे यार, थार के साथ HR नंबर दे के, और काफी बंदों ने पूछा भी हमसे, कुछ रिकॉर्ड भी किया होगा, मैंने दिखा दूंगा अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो, वीडियो के अंदर दिखा दूंगा अगर रिकॉर्ड हुआ हुआ तो। बाकी सबसे बढ़िया लगा मेरे को यहाँ का नेचर, जबरदस्त यार ये बंद। कन्याकुमारी है 323 और तिरुचेंदूर, पता नहीं क्या नाम है बड़े यहाँ पे। यहाँ आगे इस जगह पे आगे पीछे हम जगह छोड़ दी थी, जो हमने थोड़ी सी आगे आ गए हैं, तो थोड़ी सी आगे आते ही अभी आपको मैंने पहले दिखाया होगा ना कि नेटवर्क उड़ गए थे, अब देखो नेटवर्क पूरे पूरे आ रहे हैं, ये देखो ये चेन्नई होके दिखा रहा रास्ता, तो वैसे ये देखो नेटवर्क पूरे पूरे आ रहे हैं, अब हाँ चेन्नई होके दिखाएगा रास्ता, पर हमने बेंगलोर वाला रास्ता चुना, वैसे तो मैप के अंदर बेंगलुरु भी बोलते हैं, बेंगलोर भी बोलते हैं उसे, अब आप जो अच्छा लगे आपको वो बोलना, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें नाम वगैरह कि क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग लैंग्वेज से बोलते हैं, सबकी अलग अलग ट्यून होती है बोलने की। सामने एक और बोर्ड आ गया, दिखाता हूँ आपको लहरें, देखो कितनी जबरदस्त है यार, जितनी देर में लहरें ऊपर आई ना इतने में कैमरा ऑन नहीं हो पाया, थोड़ा सा हो जाता। और ये क्या बनी हुई है, शिप बनी हुई है कोई, है ना, या ये मेन वो तो नहीं है कि इसे कोई बोट शिप नहीं, 573 और 75-73 शाम को जो सिप दिख रही थी ना, वो छोटी छोटी बोट थी, सिप जो सिप सी लग रही थी, बोट सी लग रही, जो भी लगा था ये लाइट ब्लिंक कर रही थी, ये मेरे ख्याल से मछुआरों की होती होगी। ये ब्रिज है जो मेन, देख लो यहाँ से निकल के हम आए थे रात को, ये देख लो यहाँ से ब्रिज का अलग ही नजारा दिख रहा है, कि ये थोड़ा सा रोड कर्व है तो ब्रिज मैंने कैप्चर कर लिया। साइड लेफ्ट साइड में मकान भी है, तुम सीधी सीधी वीडियो बनाओ, मेरे को साइड का दे देना, मैं दे दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मकान भी है काफी, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, उड़ा सकते हैं यहाँ पे, उड़ेगा ही नहीं, हवा तेज, हवा तेज भाई, वहां से बड़े वो मुश्किल से बड़ा वो। और यहाँ पे देख लो पंछी भी अलग अलग, कितनी इतनी सारी बोट ही बोट है, इधर मजा आ गया, उधर भी बोट है, यहाँ पे 30 की स्पीड लिमिट है, फोटो क्लिक कराने के लिए देखते हैं यार, खड़े कर खड़ा होके फोटो क्लिक कराने के लिए, प्रेशर इतना तेज है, मैं गेट को धक्का दे रहा हूँ, लग रहा है सामने से 10 बंदे और धक्का लगा रहे हो, इतना प्रेशर हवा का, देख लो आप कितना हवा कितनी तेज है, ओ भाई ओ भाई 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 उधर नहीं थी, ओ भाई वो गेट बंद हो गया, देखो अपने आप बहुत ही ज्यादा तेज है, क्योंकि हवा होनी चाहिए तेज यार, क्योंकि यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, मदुराई 156 यहाँ रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, ट्रेन भी आती है यहाँ पे, समुद्र के ऊपर जाती है, बाकी गूगल कर लेना, मुझे इतना नॉलेज नहीं आगी, फर्स्ट टाइम जाम सुना था, पर इन्होंने जाम लगा दिया ट्रैफिक थोड़ा सा, पर स्लो कर दी गाड़ी,
उनके सींग देखो यार कितने जबरदस्त लग रहे हैं। पेट्रोल रिफिल करवाना और डीजल रिफिल करवाना, अभी डीजल डालना भाई। इसका यहाँ पे रेट है डीजल का 95। डीजल रिफिल कराना है यहाँ पे रेट है 95-96। कितना आता है बताते हैं आपको, बाकी फुल चेरा। यस थैंक यू नंदी। हमारे को यहाँ की थोड़ी सी थोड़ी मतलब हेलो हाय वगैरह तो समझ नहीं, थैंक यू समझ आ गया। भाई खुश हुआ देख के, नंदरी बोला ना जब 43 लीटर आ गया डीजल, डीजल की ब्रेक थी 43 लीटर आ गया डीजल, और मैं हिला हिला के थोड़ा सा इसको रहा अंदर चले आता है, अभी भी है के? थोड़ा सा है, आ जाएगा फुल फुल 42 हो जाएगा, 42 100। ठीक है ठीक ठीक है, वाह वाह थैंक यू। वाईफाई कार्ड का नंबर ना आ जाए बस, अगर आपका वाईफाई वाला कार्ड है ना तो टच करो, और हर जगह मशीन ये वाली मिल रही है, हर जगह लास्ट तक से लेके मतलब एंड से लेके दिल्ली तक। थैंक यू नंदरी। सो बी नट, एक चीज हमने देखी है ना कि कार्ड की मशीन, होटल गोल्डन पार्क अंदर जाके देखते हैं वेज मिलेगा या क्या मिलेगा, चलते हैं अंदर जाके दिखाता हूं आपको।